पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा 75 प्लस का लक्ष्य लेकर चल रही है। बीरेंद्र सिंह कैथल आए हुए थे। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले चुनाव में भाजपा को 47 सीट मिली थी, इस पर पार्टी इस आंकड़े को पलटने जा रही है। 8 तारीख के बाद किसी दिन भी आचार संहिता लग सकती है, तो एक प्रधानमंत्री आह्वान करेंगे हरियाणा की जनता को कि हमने जो काम किया है, चाहे केंद्र सरकार ने किया और चाहे फिर बाद में हरियाणा सरकार ने किया, ये एक नई पद्धति का शुरुआत है जिसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। तो हम 5 साल के लिए और लोगों से, हरियाणा के मतदाताओं से आग्रह करेंगे ताकि मजबूत स्थिति में आके, पहले 47 सीटें जीते थे, अब की बार उल्टा है, बल्कि उल्टे को हमने एक बार बढ़ा के किया है, यानी 47 को अगर आप 74 करो प्लस वन तो जरूरी है। कुमारी शैलजा को हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का प्रधान बनाने पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि इसका कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस इतने गुटों में बटी है कि इतने कम समय में सभी को साथ लाना संभव नहीं हो पाएगा। उसको रखेंगे उसमें, वो तो सोनिया जी बताएंगे। शैलजा के बन किया, इन्होंने अपने आप हिसाब लगा के अच्छे के लिए किया होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा में फैक्शन रिडन है, मतलब छोटे छोटे दलों में, ग्रुप में बटी हुई है, इसलिए उसका उभारना नए नेतृत्व के लिए भी बड़ा मुश्किल है। मैं नहीं मानता कि, क्योंकि लोगों के निहित स्वार्थ है कांग्रेस के अंदर, 5-6 कांग्रेस है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को विपक्ष का नेता बनाए जाने पर बीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनको राहत मिली है, लेकिन देखना होगा कि कांग्रेस आलाकमान कितनी देर तक उनके सिर पर हाथ रखती है। जिम्मेवारी के लिए बड़े व्याकुल थे, अच्छा हुआ देखिए। मैं ये देखता हूँ कि अगर 5 साल पहले बैटरी डाउन हो जाए, 5 साल के बाद उसके 5 साल का समय मिल गया था। राजनीति में आदमी को सबसे बड़ी क्वालिटी, किसी विशेषता किसी पॉलिटिकल आदमी की ये होती है कि उसके अंदर पेशेंस हो। हिंदी में क्या बोलेंगे पेशेंस को? संयम, धैर्य और संयम भी, ये जरूरी है। तो मैं तो हर एक आदमी को अच्छी सलाह देता हूँ। अब बाकी हुड्डा जी को एक नई लीज ऑफ लाइफ मिली है, उसको सोनिया जी कितने दिन तक उसको रखेंगे उसमें, वो तो सोनिया जी बताएंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। बीजेपी की संभावनाओं के संबंध में 2 शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।